राधे राधे दोस्तों, आपको एक कथा बताने जा रहे हैं आज। एक कथा जो शायद आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। एक राज्य में एक राजा रहता था, बहुत घमंडी था। घमंड के चलते उसके राज्य के आसपास के जो दूसरे राजे थे, किसी से भी उसका रिश्ता अच्छा नहीं था। उसके घमंड की वजह से उसी के राज्य वाले लोग उसकी बुराई करते थे। एक बार उस गांव से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने भी राजा के बारे में सुना और राजा को सुधारने का, सबक सिखाने का सोचा। साधु ने क्या किया, राजमहल की तरफ भर गए और बिना पहरेदारों से पूछे अंदर चले गए। राजा ने देखा तो राजा को गुस्सा आया। राजा बोला, हे महात्मा, ये कैसी उद्दंडता है? हे महाराज, आप बिना आज्ञा के अंदर कैसे आ गए? साधु ने उनका भाव से कहा, मैं आज रात को इस सराय में, सराय यानी मुसाफिर खाना, इस मुसाफिर खाने में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात और बुरी लगी। महात्मा जी, ये मेरा राजमहल है, कोई सराय खाना नहीं, कोई मुसाफिर खाना नहीं, आप यहाँ से कहीं और जाइए। साधु ने कहा, हे राजा, तुमसे पहले ये राजमहल किसका था? तो राजा ने कहा, मेरे पिता का। बोले साधु, तुम्हारे पिता से पहले किसका था? बोले, मेरे दादा का। तो साधु ने मुस्कुरा कर कहा, हे राजा, जिस तरह लोग मुसाफिर खाने में, सराय में कुछ देर के लिए रहने आते हैं, वैसे ही ये तुम्हारा राजमहल जो है वो पहले कुछ समय तुम्हारे दादा का था, फिर तुम्हारे पिता का हुआ, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड है कि ये एक मुसाफिर खाना है जहाँ एक व्यक्ति आता है कुछ समय के लिए और चला जाता है। साधु की बात का राजा पर इतना प्रभाव हुआ कि उसने अपना सारा राजपाट, मान सम्मान साधु के चरणों में गिर पड़ा। छोड़कर सारा राजपाट और मान सम्मान और महात्मा से क्षमा मांगी। फिर कभी घमंड न करने की शपथ खाई, किसी को परेशान न करने की शपथ खाई। तो मित्रों, ये कहानी नहीं है बल्कि इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। ये दुनिया एक सराय के समान है, यानी मुसाफिर खाना है, जहाँ कुछ लोग रोज आते हैं, कुछ लोग रोज जाते हैं। और दूसरी बात, आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल देखिए, आपके सामने कितने लोगों की मृत्यु होती है, कितने लोग आते हैं जाते हैं, तो हमें भी जाना है। तो इसलिए क्या करिए, जब तक ये जीवन मिला है तो जीवन में हम भगवान के नाम की भक्ति करें, भगवान के नाम का सत्संग सुने, अच्छी सोच रखें, अच्छे काम करें, क्योंकि इस मुसाफिर खाने से एक दिन सबको जाना है। एकदम हम्बल रहें और खुश रहें, दूसरों में खुशी बांटें। और अगर ये कथा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।